ओम गण गणपते नमः। ओम नमो नारायण। आप सभी का मेरे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज से मैं एक छोटी सी कोशिश आरंभ कर रही हूँ। आज से मैं श्रीमद्भागवत गीता के अध्याय के महत्तम और अध्याय का हिंदी में पाठ आरंभ कर रही हूँ। हम सभी जानते हैं कि संस्कृत भाषा में इसका मूल पाठ होता है, परंतु हम सभी में बहुत ऐसे हैं जिनको संस्कृत भाषा सही से समझ नहीं आ पाती है। मैं स्वयं भी संस्कृत बहुत अच्छे से नहीं जानती हूँ। श्रीमद्भागवत गीता के अध्याय महात्म्य का जो पाठ है उसकी वीडियो मिल जाएगी और शाम को 7 बजे उस अध्याय की वीडियो, तो सुबह और शाम को 7 बजे दोनों वीडियो मिल जाया करेंगी। आशा है आपको पसंद आएंगी। मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन को दबाकर उसे ऑल पर सेट कर दीजिए। तो आज हम श्रीमद्भागवत गीता के पहले अध्याय का महात्म्य करेंगे। श्री पार्वती जी ने कहा कि भगवान आप सब तत्वों के ज्ञाता हैं, आपकी कृपा से मुझे श्री विष्णु जी संबंधी नाना प्रकार के धर्म सुनने को मिले हैं जो समस्त लोक का उद्धार करने वाले हैं। देवेश, अब मैं गीता का महात्म्य सुनना चाहती हूँ जिसका श्रवण करने से श्री हरि में भक्ति बढ़ती है। तब श्री महादेव जी बोले कि जिनका श्री विग्रह अलसी के फूल की भांति श्याम वर्ण का है, पक्षीराज गरुड़ जिनके वाहन हैं, जो अपनी महिमा से कभी जययुत नहीं होते हैं, तथा शेषनाग जी की शैया पर शयन करते हैं, उन भगवान महाविष्णु जी की हम उपासना करते हैं। एक समय की बात है, मूर्दैत्य के नाशक भगवान विष्णु शेषनाग के रमणीय आसन पर सुखपूर्वक विराजमान थे। उस समय समस्त लोगों को आनंद देने वाली भगवती लक्ष्मी जी ने आदर पूर्वक ये प्रश्न किया। श्री लक्ष्मी जी ने पूछा, भगवान आप संपूर्ण जगत का पालन करते हुए भी अपने ऐश्वर्य के प्रति उदासीन से होकर जो इस क्षीर सागर में नींद ले रहे हैं, इसका क्या कारण है? तब श्री भगवान बोले, सुमुखी मैं नींद नहीं लेता हूँ, अपितु तत्व का अनुसरण करने वाली अंतर्दृष्टि के द्वारा अपने ही माहेश्वर तेज का साक्षात्कार कर रहा हूँ। देवी, यह वही तेज है जिसका योगी पुरुष कुशाग्र बुद्धि के द्वारा अपने अंतःकरण में दर्शन करते हैं, तथा जिसे मीमांसक विद्वान वेदों का सार तत्व निश्चित करते हैं। वह माहेश्वर तेज एक अजर प्रकाश स्वरूप, आत्मरूप, रोग शोक से रहित, अखंड आनंद का पुंज, निष्पंद द्वैत रहित है। इस जगत का जीवन उसी के अधीन है, मैं उसी का अनुभव करता हूँ। देवेश्वरी, यही कारण है कि मैं तुम्हें नींद लेता हुआ प्रतीक हो रहा हूँ। तब श्री लक्ष्मी जी ने कहा, ऋषिकेश आप ही योगी पुरुषों के ध्येय हैं, आपके अतिरिक्त कोई ध्यान करने योग्य तत्व है? यह जानकर मुझे बड़ा कौतूहल हो रहा है। इस चराचर जगत की सृष्टि और संहार करने वाले स्वयं आप ही हैं, आप सर्व समर्थ हैं। इस प्रकार की स्थिति में होकर यदि आप उस परम तत्व से भिन्न हैं, तो मुझे उसका बोध आप कराइए। श्री भगवान बोले कि प्रिय, आत्मा का स्वरूप दैत्य और अदैत्य से पृथक, भाव और अभाव से मुक्त तथा आदि और अंत से रहित है। शुद्ध ज्ञान के प्रकाश से उपलब्ध होने वाला तथा परमानंद स्वरूप होने के कारण एकमात्र सुंदर है, वही मेरा ईश्वरीय स्वरूप है। आत्मा का एक तत्व ही सबके द्वारा जानने योग्य है। गीता शास्त्र में इसी का प्रतिपादन हुआ है। अमित तेजस्वी भगवान विष्णु के ये वचन सुनकर लक्ष्मी देवी ने शंका उपस्थित करते हुए कहा कि भगवान यदि आपका स्वरूप स्वयं परमानंदमय
और मन वाणी की पहुंच के बाहर है तो गीता कैसे उसका बोध कराती है? मेरे इस संदेह का आप निवारण कीजिए। तब श्री भगवान बोले, सुंदरी सुनो, मैं गीता में अपनी स्थिति का वर्णन करता हूँ। क्रमशः 5 अध्यायों को तुम 5 मुख जानो, 10 अध्यायों को 10 भुजाएं समझो तथा 1 अध्याय को उदर और 2 अध्यायों को दोनों चरण कमल जानो। इस प्रकार यह 18 अध्यायों की वांगमयी ईश्वरीय मूर्ति समझनी चाहिए। यह ज्ञान मात्र से ही मानव पातकों का नाश करने वाली है। जो उत्तम बुद्धि वाला पुरुष गीता के 1 या आधे अध्याय का अथवा 1/4 या 1/4 श्लोक का भी प्रतिदिन अभ्यास करता है, वह सुशर्मा के समान मुक्त हो जाता है। तब श्री लक्ष्मी जी ने पूछा कि देव सुशर्मा कौन था, किस जाति का था और किस कारण से उसकी मुक्ति हुई? श्री भगवान बोले कि प्रिय, सुशर्मा बड़ी खोटी बुद्धि का मनुष्य था। पापियों का तो वह शिरोमणि ही था। उसका जन्म वैदिक ज्ञान से शून्य एवं क्रूरतापूर्ण कर्म करने वाले ब्राह्मणों के कुल में हुआ था। वह न तो ध्यान करता था, न जप करता था, न होम करता था और न ही अतिथियों का सत्कार करता था। वह लंपट होने के कारण सदा विषयों के सेवन में ही आसक्त रहता था। हल जोतता और पत्ते बेचकर जीविका चलाता था। उसे मदिरा पीने का व्यसन था तथा वह मांस भी खाया करता था। इस प्रकार उसने अपने जीवन का दीर्घ काल व्यतीत कर दिया। एक दिन मूढ़ बुद्धि सुशर्मा पत्ते लाने के लिए किसी ऋषि की वाटिका में घूम रहा था। इसी बीच में काल रूपधारी काले सांप ने उसको डस लिया। सुशर्मा की मृत्यु हो गई। तदंतर वह अनेक नरकों में जा वहां की यातनाएं भोगकर मृत्यु लोक में लौट आया और वहां पर बोझ ढोने वाला बैल हुआ। उस समय किसी ने अपने जीवन को आराम से व्यतीत करने के लिए उसे खरीद लिया। बैल ने अपनी पीठ पर पडंगों का भार ढोते हुए बड़े कष्ट से 7-8 वर्ष बिताए। एक दिन पडंगों ने किसी ऊंचे स्थान पर बहुत देर तक बड़ी तेजी के साथ उस बैल को घुमाया। इससे वह थककर बड़े वेग से पृथ्वी पर गिरा और मूर्छित हो गया। उस समय वहां कौतूहलवश आकृष्ट हो बहुत से लोग एकत्रित हो गए। उस समय वहां उस जन समुदाय में से किसी पुण्यात्मा व्यक्ति ने उस बैल का कल्याण करने के लिए उसे अपना पुण्य दान में दिया। तत्पश्चात कुछ दूसरे लोगों ने भी अपने अपने पुण्यों को याद करके उन्हें उसके लिए दान दिया। उस भीड़ में एक वैश्या भी खड़ी हुई थी। उसे अपने पुण्य का पता ही नहीं था, तो भी उसने लोगों की देखा देखी उस बैल के लिए कुछ त्याग किया। तदंतर यमराज के दूत उस मरे हुए प्राणी को पहले यमपुरी में ले गए। वहां यह विचार किया कि यह वैश्या के दिए हुए पुण्य से पुण्यवान हो गया है, उसे छोड़ दिया गया। फिर वह भूलोक में आकर उत्तम कुल और शील वाले ब्राह्मणों के घर में उत्पन्न हुआ। उस समय भी उसे अपने पूर्व जन्म की बातों का स्मरण बना रहा। बहुत दिनों के बाद अपने अज्ञान को दूर करने वाले कल्याण तत्व का जिज्ञासु होकर वह उस वैश्या के पास गया और उसके दान की बात बतलाते हुए उससे पूछा कि तुमने कौन सा पुण्य दान किया था। वैश्या ने उत्तर दिया कि वह पिंजरे में बैठा हुआ तोता प्रतिदिन कुछ पढ़ता है, उससे मेरा अंतःकरण पवित्र हो गया है, उसी का पुण्य मैंने तुम्हारे लिए दान किया था। इसके बाद उन दोनों ने तोते से पूछा। तब उस तोते ने अपने पूर्व जन्म का स्मरण करके प्राचीन इतिहास कहना आरंभ कर दिया। शुक बोला, पूर्व जन्म में मैं विद्वान होकर भी विद्वता के अभिमान से मोहित रहता था। मेरा राग द्वेष इतना बढ़ गया था कि मैं गुणवान विद्वानों के प्रति भी ईर्ष्या भाव रखने लगा। फिर समयानुसार मेरी मृत्यु हो गई और मैं अनेकों घृणित लोकों में भटकता रहा। उसके बाद इस लोक में आया। सद्गुरु की अत्यंत निंदा करने के कारण तोते के कुल में मेरा जन्म हुआ। पापी होने के कारण छोटी अवस्था में ही मेरा माता पिता से वियोग हो गया। एक दिन मैं ग्रीष्म ऋतु में तपे हुए मार्ग पर पड़ा था। वहां से कुछ श्रेष्ठ मुनि मुझे उठाकर लाए और महात्माओं के आश्रम में आश्रम के भीतर एक पिंजरे में उन्होंने मुझे डाल दिया। वहीं मुझे पढ़ाया गया। ऋषियों के बालक बड़े आदर के साथ गीता के 1 अध्याय की आवक्ति करते थे। उन्हीं से सुनकर मैं भी
बारंबार पाठ करने लगा। इसी बीच में एक चोरी करने वाले बहेलिए ने मुझे वहां से चुरा लिया। तत्पश्चात इन देवी ने मुझे खरीद लिया। यही मेरा वृतांत है जिसे मैंने आप लोगों से बता दिया है। पूर्व काल में मैंने इस प्रथम अध्याय का अभ्यास किया था जिससे मैंने अपने पापों को दूर किया है। फिर उसी से इस वैश्य का भी अंतःकरण शुद्ध हुआ है और उसी के पुण्य से ये दिज श्रेष्ठ सुशर्मा भी पाप मुक्त हुए हैं। इस प्रकार परस्पर वार्तालाप और गीता के प्रथम अध्याय के महात्म्य की प्रशंसा करके वे तीनों निरंतर अपने अपने घर पर गीता का अभ्यास करने लगे। फिर ज्ञान प्राप्त करके वे मुक्त हो गए। इसीलिए जो गीता के प्रथम अध्याय को पढ़ता सुनता या उसका अभ्यास करता है उसे इस भवसागर को पार करने में कोई कठिनाई नहीं होती है। तो इस प्रकार ये गीता के प्रथम अध्याय का महात्म्य पाठ अब समाप्त होता है। आशा है आपको पसंद आया होगा। अगर कोई त्रुटि हुई है तो क्षमा कर दीजिए। मेरे चैनल पर रोज सुबह 7 बजे आपको गीता महात्म्य के पाठ की वीडियो मिल जाएगी और रोज शाम को 7 बजे मूल अध्याय का पाठ, वो भी हिंदी में। तो दोनों वीडियो रोज अवश्य देखें और कमेंट बॉक्स में जय श्री नारायण या जय श्री कृष्णा जो भी आपकी इच्छा हो अवश्य लिखें। नारायण नारायण।